ओके, सो अब हम बात करते हैं सिंपल टेंस। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है टेंस की, ठीक है। अब हमारे पास जब सिंपल टेंस में हमारी बात होती है तो इसका मतलब सिंपल से पता चल रहा है कि ये सिंपल ही है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी इसी में आ रही होती है। क्यों आ रही होती है? जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एस और ईएस का इजाफा हो रहा होता है, जो बच्चों को कंफ्यूज कर रहा होता है। ये हमारे पास सेपरेट टॉपिक है जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो रही होती है सिर्फ इस एस्पेक्ट से नहीं, और भी टेंसेस में हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट को डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल टेंस हमारे पास, जब सिंपल प्रेजेंट हम यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, हम तब यूज करते हैं। अगर हम अपनी कोई हैबिट बता रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, ठीक है, रोज करते हैं कोई भी काम, हमारी कोई आदत है, ठीक है, कोई रिपेटेटिव टास्क है, ठीक है, वो तो हम यूज करते हैं सिंपल टेंस। यानी कि अगर मैं अपनी हैबिट बताऊं कि आई डू एक्सरसाइज या आई एक्सरसाइज डेली, मैं रोज वर्जिश करती हूं, ठीक है। अब ये मेरी एक आदत है, मैं ये काम रोज करती हूं, इसमें मेरे पास कोई भी टेंस यूज नहीं हो रहा, इसमें मेरा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें सिंपली मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज की है अपने वर्ब की, ठीक है। कौन सा वर्ब है मेरे पास? एक्सरसाइज, मैं कोई काम कर रही हूं तो ये मेरा वर्ब है, राइट। वर्ब इज एक्शन वर्ब। इसमें मैंने कौन सी कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज किया? नहीं। अच्छा, आई एक्सरसाइज ही मेरा सिंपल से एक जुमला है। अगर मैं अगर थर्ड पर्सन की बात करूं, ठीक है, या थर्ड पर्सन से मुराद ही, शी, इट या दे, ठीक है। तो अब अगर मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करती हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर हमने पहले बताए हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो कौन कौन से होते हैं? ही, शी और इट, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पर्सन हो गए। और यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, एनी नेम, राइट। अब जब ये चीज हमारे पास थर्ड पर्सन में बात हो रही होती तो हम इजाफा करते हैं एस और ई एस का वर्ब के साथ, यानी कि शी एक्सरसाइजेस डेली, ठीक है, या शी डज एक्सरसाइज डेली, ठीक है। अब यहां पे जो है मैं बता दिया कि यहां पे डज क्यों यूज कर रही हूं मैं। अच्छा जी, डज और यहां पे मैंने ई एस हटा दिया यहां से। जब हम कोई अपना डू के साथ ई एस का इजाफा कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास जो मेन वर्ब होता है ना, ये देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया, एक हेल्पिंग वर्ब आ गया डू या डज का, ठीक है। अब जब हमारे पास यहाँ पे हमने डज यूज कर लिया तो हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये हमारी गलती होती है जो हम कॉमनली कर रहे होते हैं कि हमने शी डज ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है। अब ये हमारा जो है ना जुमला पहले से आ रही है, ये गलत हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ईएस का इजाफा कर चुके हैं, तो हमारे पास वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास, मैंने एक बताई बात कि हम सिंपल प्रेजेंट तब यूज करते हैं जब हम कोई हैबिट के बारे में बताते हैं, कोई हम हैबिट यूज कर रहे होते हैं। दूसरी बार हम जब सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं, कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसी बात जो कि पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, हमारे जो लॉज हैं, कोई सच है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। अगर मैं यहां पे लिखूं, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ये हमारा एक जनरल ट्रुथ है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है? नहीं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा। तो हमारे पास दो चीजें बचल गई। सिंपल प्रेजेंट कब अब यूज करते हैं? हम सिंपल प्रेजेंट तब यूज करते हैं जब हम कोई हैबिट के बारे में बता रहे होते हैं, कोई अपनी आदत के बारे में बता रहे होते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे होते हैं। दूसरा ये, कीप इन माइंड, हम प्रेजेंट के बारे में बात करें। दूसरा ये, जब हम कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं, कोई ऐसी हकीकत, कोई ऐसा फैक्ट बताते हैं, तब हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, ठीक है। तीसरे एस्पेक्ट ये हो सकता है, जब हम हिस्टोरिकल ट्रुथ बताते हैं। ये हिस्टोरिकल ट्रुथ आपके लेवल के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मैं सरसरी से बताती चलती हूँ। हिस्टोरिकल
ट्रुथ से मेरी क्या मुराद है। हिस्टोरिकल ट्रुथ ये होता है कि हम आपने राइटर्स को देखा होगा पास्ट के बारे में, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है या आप कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ रही हो तो उसमें आप जरूर देखेंगे या देखेंगी कि जो राइटर है उसने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया हुआ है, यानी कि उसमें कोई भी उसने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया हुआ, उसने एस और ई एस का इजाफा किया हुआ है या वो डू या यूज कर रहा है या डज यूज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास, हम जब कोई अपना क्रिटिकल एनालिसिस लिखते हैं, कोई राइटअप लिखते हैं, तो हम सिंपल हिस्टोरिकल ट्रुथ यूज कर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पुराना हमने कोई ऐसा ले लिया, उसमें लिखा हुआ होता है ना द ऑथर आर्ग्यूज, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहे होते हैं, इसका मकसद क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज है। अगर मैं बताऊं आपको तो ईगो सेंट्रिक से मतलब ये है कि हमारी जो चीज करीब है, सबसे करीब क्या चीज है हमारे पास? प्रेजेंट है, ठीक है, या आपके पास है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे करीब जो चीज होती है ना उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस प्रेजेंट टेंस को दी जाती है, माजी को वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, फ्यूचर को तो वो बिल्कुल भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। लैंग्वेज के एस्पेक्ट से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इनको नंबरिंग दूं ना तो सबसे पहले प्रेजेंट को उनके पास जो है ना प्रायोरिटी वो प्रेजेंट टेंस को देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी वो देते हैं पास्ट टेंस को, और फिर थर्ड प्रायोरिटी वो देते हैं फ्यूचर टेंस को, ठीक है। तो ईगो सेंट्रिक से मतलब ये है कि ये इसकी प्रेजेंट को इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहे होते हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे होते हैं एक सॉर्ट पे। वो इस तरह कि आपके प्रेजेंट में हमारे पास कोई भी चीज हो रही होती है, कोई भी काम हो रहा होता है, ठीक है, वो आपसे करीब है। और बहुत दफा ऐसे टेंसेस भी यूज हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई विल प्ले टेनिस, ठीक है, आई विल प्ले टेनिस, यहाँ पे मेरी इंडिकेट हो रही है कि मैं टेनिस खेलूंगी, ठीक है। अब बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग यूज कर रहे होते हैं आई एम गोइंग टू प्ले टेनिस, अब ये भी इंडिकेट कर रहा है आई एम गोइंग टू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, लेट मी क्लियर द बोर्ड एंड आई विल राइट दिस एग्जाम्पल एज वेल, कि आपके ये चीजें ना कंफ्यूजन जो होती है ये भी क्लियर हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं एक देखती हूँ, आई विल प्ले टेनिस, ठीक है, और दूसरा मेरा जुमला है आई एम गोइंग टू प्ले टेनिस। ओके, सो अब मेरे पास ये दोनों जुमले मुझे बता रहे हैं कि कोई भी चीज फ्यूचर में होने वाली है, आई विल प्ले टेनिस टुमारो, आई एम गोइंग टू प्ले टेनिस टुमारो। लेकिन आप इस दोनों जुमलों को पढ़ें एक दफा, कौन सा ज्यादा करीब लग रहा है, कौन सा ज्यादा करीब महसूस हो रहा है? आई एम गोइंग टू प्ले टेनिस टुमारो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आ जाता है टाइम का। बहुत से लोग जो है ना टाइम को जब कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो अब हम जब फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में कोई भी चीज होगी ना वो फ्यूचर में रहेगी, ठीक है, वो आपसे दूर है, वो डिस्टेंट है, आप इमोशनली उससे दूर है। लेकिन जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं ना कोई भी चीज हमारी करीब महसूस होती है। इसी हवाले से इंग्लिश लैंग्वेज जो है ईगो सेंट्रिक कहलाती है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज वो ईगो को उसकी सेटिस्फाई कर रही होती है। ओके, ये तो हमारे पास ये जनरल मैंने एक डिस्कशन कर दी अपनी लैंग्वेज के एस्पेक्ट से। नाउ कमिंग बैक टू अवर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैंने दो चीज, तीन चीजें आपको बता दी। पहली चीज कि हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा होता है जब भी हम कोई हैबिट की बात करते हैं। दूसरा, ये हमारे पास यूज होता है यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में। और तीसरा, ये जब हमारे पास कोई भी हिस्टोरिकल ट्रुथ बताया जा रहा होता है तब हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें हमारे पास एस और ई एस का इजाफा होता है जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, आई ईट एन आइस क्रीम, ठीक है, और ही ईट एन आइस क्रीम। अब यहां देखे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहां हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग द वर्ड एस ओवर हियर। ओके, सो अब मैं जनरल स्ट्रक्चर पर चल गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का।
अब मैं बात करती हूँ सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट भी सिमिलरली जिस तरह सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा है ना, तीन चीजों के लिए, हैबिट को बताने के लिए और कोई भी एक्शन जो कि आपने पास्ट में हुआ, ठीक है। यानी कि आपने कोई भी आपकी कोई आदत है वो माजी में थी, या फिर आपने कोई एक्शन माजी में किया, तब आप उसके साथ यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। आई एट एन आइसक्रीम, यहाँ पे मेरे पास वर्ब चेंज हो गया। लुक ओवर हियर, मेरा वर्ब क्या हो गया, ईट से क्या हो गया, एट हो गया। यहाँ जब मैं भी टेंसेस में अपने जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करती हूँ, या हम जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो उसको हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिमिलरली हमारा फ्यूचर, फ्यूचर में भी अगर कोई काम हो रहा है या होगा, उसमें हमारे पास एक वर्ड ऐड हो जाता है और वो वर्ड क्या होता है, विल या फिर शैल, ठीक है। उसके साथ हमारा जो वर्ब होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, फर्स्ट फॉर्म। मेरे सारे रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं, नाउ यू कैन लुक एट देम, ताकि आपको कोई भी जो मैं सेंटेंस बना रही हूँ उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, आई शैल ईट एन आइस क्रीम। ओके, अगर मैं इस जुमले को आपको तोड़ तोड़ के बताऊं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा आई, शेल हमारा क्या हो गया, ये हमें इंडिकेट कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी काम फ्यूचर में होगा। उसके साथ हमारी वर्ब कौन सी फॉर्म में है, वर्ब हमारी है फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद हमारा आइसक्रीम क्या है, आइसक्रीम हमारा है ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख लें, सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट विल या शैल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अब विल और शैल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। विल कब यूज करते हैं, शैल कब यूज करते हैं, शैल ज्यादातर आई और वी के साथ यूज होता है। शैल इज अ लिटिल बिट फॉर्मल वर्ड, ठीक है। अब जब हम फॉर्मल जब लिख रहे होते हैं ना कोई भी अपना राइटअप, या हम फॉर्मली से किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, किसी से मुखातिब होते हैं, तब हम यूज करते हैं वर्ड शैल। उसके साथ साथ हमारे पास बाकी ही शी एट एनी नेम के साथ हमारे पास यूज होता है वर्ड विल। अब ज्यादातर कॉमनली वर्ड यूज हो रहा है विल, शैल जो है अब थोड़ा थोड़ा ऑब्सोलीट होता जा रहा है, लोग इसको थोड़ा कम यूज करते हैं, बट स्टिल शैल हमारे पास जो है फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है ज्यादा। ओके, तो अब हमारे पास ये चीज यहाँ से सिंपल टेंस की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात दोबारा मैं रिपीट करूँ, सिंपल प्रेजेंट कब यूज करते हैं, जब हम कोई अपनी हैबिट बताते हैं, कोई ऐसा काम जो हम मुसलसल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाती हूँ, आई ईट, मैं सोती हूँ, आई स्लीप, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल कौन कौन से फॉर्म यूज होंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, और एस और ई एस का इजाफा तब होता है जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं, ही शी इट और एनी नेम, ठीक है, ये हमारे पास कहलाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। और फिर हम जब पास्ट के बारे में बात करते हैं, माजी के बारे में बात करते हैं, कोई भी एक्शन जो कि माजी में हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्लीप ऑन सोफा, मैं सोफे पे सोती हूँ। लेट मी राइट एग्जाम्पल, आई स्लीप ऑन सोफा, ठीक है। आई स्लेप्ट ऑन सोफा, एंड देन लेट मी राइट ओवर हियर, ओके, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, एंड दिस इज द थर्ड वन। आई शैल स्लीप ऑन सोफा, ठीक है। अब यहां पे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आई स्लीप ऑन सोफा, दिस इज माई हैबिट, ठीक है, मैं सोफे पे सोती हूं। दूसरा, आई स्लेप्ट ऑन सोफा, दिस इज इंडिकेटिंग दैट आई हैव डन समथिंग इन पास्ट। आई स्लेप्ट ऑन सोफा, मैं सोफे पे सोई थी। आई शैल स्लीप ऑन सोफा, मैं सोफे पे सोऊंगी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको और ही आसान कर दूं आपके लिए, हमारे पास बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे होते हैं ता ती और ते, जब हम यूज कर रहे होते हैं अपने सेंटेंसेस में, तब वो हमारे पास कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट।
फिर हमारे पास जिसमें हमारे पास मैं गया, मैंने खाया, मैंने ये किया, ठीक है, जब ये बात हो रही होती है तो आपके पास कौन सा टेंस होता है? सिंपल पास्ट। और फिर मैं खाना खाऊंगी, मैं जाऊंगी, तो अब ये कौन सा टेंस होगा? सिंपल फ्यूचर। नाउ आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस टेंसेस, सिंपल टेंस, स्पेशली सिंपल टेंस, इसको मैंने तीन डिफरेंट लेवल्स पे समझाया, एक कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे, फिर एक थोड़ा सा मीडियम लेवल पे, और एक बिल्कुल ही आसान तरीके से। अब आपको जहां से तीनों में से कोई भी आसान लगे वो जल्दी से पिक कर लें और इनको टेंसेस को अपने दिमाग में बिठा लें। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस था, ठीक है, सिंपल टेंस। अब हमारे पास इसी तरह चार किस्म के अलग अलग हैं। इस तरह हमारे पास टेंसेस में जो हम बात करते हैं तो कितने टाइप के टेंसेस होते हैं? 12 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इनिशियली तो 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इनकी सब क्लासेस जो होती हैं वो 12 बन जाती हैं। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू अवर कंटीन्यूअस टेंस।